हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रॉपर एडवाइस। आज जो मैं आपके लिए सेशन लेके आया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे बेसिक चैप्टर है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। NIACL एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैंने इसमें क्वेश्चंस लिए हैं और मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जरूर ईजी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को इसमें टाइम लग जाता है, ठीक है। हमको कुछ नहीं करना, ये इक्वेशन जो लिखी है इसके रूट्स लिखने और फिर आंसर ट्रिक करना है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आती है, सबसे पहले हम रूट्स निकाले कैसे, रूट्स होते क्या है। कोई भी इक्वेशन गिवन है, पॉलीनोमियल इक्वेशन डिग्री 2 में, इसके जो भी फैक्टर्स हो को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर हम इसके रूट्स निकालेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, जो ये हम लिखते हैं यहां पर, देखिए कितना इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है। ये जो एस है, एस स्टैंड फॉर सम ऑफ द रूट्स और पी यहां पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। ये नाइन्थ क्लास में जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो श्री धराचार्य फॉर्मूले से डिराइव होके ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी आता है। तो एक्चुअल में जो मेथड होता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम डायरेक्टली रूट्स निकालेंगे, वो कैसे वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये जो हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, करना कुछ भी नहीं है, जो यहाँ पे मान लीजिए कोई भी इक्वेशन लिखी है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू हमको लिखा है, ठीक है। जो एक्स स्क्वायर और ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है, 2। यहां की यहां 1 है, अगर a होता तो हम a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां 2 होता तो 2 2 4, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और सम ऑफ द रूट्स कितना है, 3। मींस मेरे जो इस रूट के दो टुकड़े हुए, मान लीजिए मैंने a और b को हमको ऐसे समीशन में कन्वर्ट करना है कि जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तब मेरा आंसर आ जाए, ठीक है। तो यहां पर 2x स्क्वायर आना चाहिए और इसको हमको कन्वर्ट करना है, x स्क्वायर की हमको जरूरत नहीं रहती, डायरेक्टली हमको ये लिखना है, ठीक है। तो जो इसको डायरेक्टली हमको स्प्लिटिंग करना आना चाहिए, जो ये मिडिल टर्म है x स्क्वायर के बाद x, x के कोफिशियंट को स्प्लिट करना आना चाहिए, तभी हम उसको क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन से हम ज्यादा इजीली इसको समझ पाएंगे। तो नाउ मूविंग ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन, हमको गिवन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब मुझे मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट मेरा कितना आ जाए, प्लस 2। अगर मैं दो चीज को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो प्लस मुझे कब मिलेगा, जब या तो दोनों चीज नेगेटिव हो या दोनों चीज पॉजिटिव हो। अब देखिए यहां पे साइन कैसा है, नेगेटिव, तो प्लस प्लस वाले से तो मिलेगा नहीं, इट मीन दोनों क्या होने चाहिए, नेगेटिव। प्रोडक्ट कितना है, प्लस 2। तो अगर यहां पर कितना सम, माइनस 3, तो माइनस 2 और माइनस 1, देखिए प्रोडक्ट कितना आ गया, 2 और सम कितना आ गया, माइनस 3, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करना है उसको देखिए, जब भी ये दिया हुआ x स्क्वायर माइनस 3, पहले x के दोनों रूट्स लिख लीजिए और y के, एक ही स्टेप में रूट्स लिखने हमको डायरेक्टली, यहां पे प्रोडक्ट 2 है, ठीक है। अब माइनस 2 और 1 होगा, तो इक्वेशन तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं, माइनस 2 और 2, मैंने x कॉमन लिया, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लिया और ये x माइनस 2, ये देखिए दोनों पहले इक्वेट करते हैं ना, तो x यहां से क्या आ रहा है, 1 और 2। अब यहां पे जो हमने पहले किया क्या था, इसको ब्रेक किस में किया था, माइनस 2 और माइनस 1 में, और ये x की वैल्यू, x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो जब 2 उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए हमको डायरेक्टली ये माइनस 2 माइनस 1 के बाद प्लस इसको कर देना है, तभी हमारा क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट वाई की बात करूं, मुझे दिया यहां पे प्रोडक्ट कितना है, माइनस 6 और यहां पे सम कितना है, माइनस 1, ठीक है। अब देखिए माइनस 3 और माइनस 2 प्लस 2, प्रोडक्ट कितना हो रहा है, माइनस 6। तो इसको ही लिखेंगे तो यहीं पे ना ऐसे ही तो लिखेंगे उसको कि माइनस 6, तो यहां से हमको डायरेक्टली इसके रूट्स क्या लिख देना है, 3.2, ठीक है, सॉरी 3.-2 लिख देने, इसके रूट्स मैंने निकाले थे 2.1 और ये 3.2। अब ये भी नहीं कि टेबल से बना के हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे, इसका प्लस है इसका माइनस है, टेबल से हमको नहीं करना है। अगर मैंने ये रूट्स निकाल लिए हैं डायरेक्टली, जैसे इसके निकाल लिए 3-2, सबसे पहले तो देखिए नेगेटिव वाला कौन सा, नेगेटिव है मीन्स ये छोटा होगा, लेकिन ये एक बड़ा है, तो डायरेक्टली क्या कर देंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, x और y की वैल्यू को कंपेयर हम नहीं कर सकते, ठीक है।
नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 और y स्क्वायर माइनस y। अब देखिए एग्जाम में डायरेक्टली कैसे करना है वही हम सीखेंगे। मुझे 6 को ब्रेक करना है, 6 है और यहां कितना होना चाहिए माइनस 5। इसको माइनस 5 को अगर मैं माइनस 3 और माइनस 2 लिखूं तो प्रोडक्ट कितना हो रहा है प्लस 6। अब ये देखिए ये क्या होगा, माइनस 3 तो यहां लिखेंगे ना x स्क्वायर माइनस 3 तो उधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। तो हमको डायरेक्टली ये लिखना आना चाहिए कि स्क्वायर रूट कितना है 3.2। इसकी बात करूं तो y स्क्वायर, यहां पे देखिए यहां प्रोडक्ट कितना है माइनस 6, मींस यहां पे एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, ये डेफिनेटली बात है क्योंकि यहां पे रिजल्ट कितना है नेगेटिव है, यहां पे प्रोडक्ट कितना है नेगेटिव। अब दो प्रोडक्ट दो सम दो वैल्यूज का सम जब हम करेंगे माइनस कब होगा, जब माइनस वाला बड़ा होगा तो माइनस 3 और प्लस 2 लिख दिया, उल्टा कर दीजिए प्लस 3। ठीक है तो उल्टा किया क्यों है, क्योंकि इक्वेशन को जीरो के इक्वेट करेंगे, यहां से तो क्या रहा है x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो इस तरफ जाएगा तो प्लस 3, इसलिए हम करेंगे। अब दोनों को कंपेयर कराना है, नेगेटिव वाला देखा ये छोटा है तो दोनों पूरे से छोटा होना चाहिए, इससे छोटा है बराबर है, ये इससे छोटा है नहीं है तो कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये अगर मुझे इक्वेशन दिया मीन मुझे 6 को ऐसे में कन्वर्ट करना है कि मेरा रिजल्ट कितना आ जाए प्लस का 9। अब देखिए 3.3 9 हो रहा है लेकिन यहां कितना चाहिए माइनस, तो माइनस माइनस आएगा फिर मैं उसको क्या बनाऊंगा प्लस, तो हमको तो एक ही स्टेप में लिखना है और ये डायरेक्टली भी दिख रहा है x माइनस 3 का होल स्क्वायर 3.3 ये आ गए इसके x के x की वैल्यू y स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब 12 को 7 में कैसे ब्रेक करते 4 और 3 तो माइनस 4 और माइनस 3। अब देखिए ये हमेशा इन दोनों से बड़ा है, दोनों वैल्यूज हमको करना क्या होता है एक की वैल्यू इससे एक बार इसको इससे सबसे कराना होता है, लेकिन हमको क्या डायरेक्टली जल्दी करना है। अब देखिए हमको पता पड़ गया कि दोनों नेगेटिव है मींस अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा, बार बार ये कंपेयर नहीं कराना है कि 3 इज ग्रेटर देन माइनस 4 3 इज ग्रेटर देन माइनस 3, ठीक है ऐसे नहीं करना है। ठीक है हमको डायरेक्टली ध्यान रखना है उसको, तो यहां पे क्या आ जाएगा x ग्रेटर देन y। अभी तक हमने जो तीन क्वेश्चन देखे हैं उसमें जनरल हर स्टूडेंट कैसे करता है वो था एक अप्रोच थी, अब हमको डायरेक्टली कैसे करना है हम उस पे प्रोसीड करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन, देखिए डायरेक्टली देखिए प्रोडक्ट कितना है 48 है, हमको कोई मतलब नहीं है प्लस है या माइनस है, आंसर अपने आप आएगा। अब डिफरेंस कितना होना चाहिए 8 8 6 जा 48 6 और 8 2 कभी नहीं होगा। ठीक है डायरेक्टली क्या करना है 12 4 जा आप 12 और 4 लिख दीजिए, ये नेगेटिव है मींस नेगेटिव वाला बड़ा होगा तो और जो प्लस हो जाएगा ये अपने आप ऐसे डायरेक्टली हमको ऐसे लिखना है एक चांस में। ठीक है ये नहीं कि आप इसको कन्वर्ट करते रह रहे हैं 48 लिखा और फैक्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, हमको डायरेक्टली ऐसे लिखना है प्लस माइनस साइन अपने आप आएगा। ये देखिए 480 हो गया, 80 को कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं, डिफरेंस कितना चाहिए 11 10 और 8 बिल्कुल नहीं, 16 और 5 हो सकता है ना 16 और 5 16 माइनस 5 क्या होगा 11, अब ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, कंपेयर कर लीजिए। ठीक है जब भी एक माइनस एक प्लस हो हमेशा आंसर क्या आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि देखिए 16 12 से तो बड़ा है इससे भी छोटा है, ठीक है इससे भी बड़ा दोनों से बड़ा है लेकिन जो ये 12 है वो इससे छोटा हो गया ना तो रिवर्स हो गया साइन, तो हम जब भी ऐसा आएगा तो हम क्या बोलेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नाउ देखिए फिफ्थ क्वेश्चन 3 4 जा 12 डिफरेंस कितना है, यहां बीच में कितना है 8 मींस 8 को कैसे बांटेंगे ये 3 4 जा 12 हो जाए 6 और 2 आंसर। ठीक है तो ये क्या हो गया इसकी रूट्स की वैल्यू आ गई 2 माइनस 4 8 हो गया, यहां कितना है 7 तो 8 और माइनस 1, अब ये देखिए माइनस 8 है तो इधर माइनस होना चाहिए उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 8 को माइनस 1 कंपेयर करवा लीजिए। ठीक है तो यहां पे ये क्या हो गया ये जो y है यहां पे क्या हो गया ग्रेटर देन x, 8 इन दोनों से बड़ा है माइनस 1 भी इन दोनों से बड़ा है, इसका मतलब बिल्कुल सही है एक भी रिलेशन उधर आता था हम कैन नॉट बी डिटरमाइन, जब भी वैल्यू बराबर आती तब हम इक्वल लगा देते। नाउ ये हमको इक्वेशन दी है नहीं कि हम देख डर जाए, ये 155 है ये 35 का स्क्वायर है इधर गया तो 155 माइनस 35 120 और ये 5 है तो 5 24 हो गया, एक्स की वैल्यू 24 आ गई क्योंकि 24 5 का कितना होता 120, ये 196 है मतलब 14 हो गया, ये इधर गया 266। ठीक है 266 को हमको 14 से कट करना है तो 14 बन जा 14 और 14 9 जा 126 तो ये बड़ा है तो x ग्रेटर देन y। नाउ सेवंथ क्वेश्चन देखिए
3 इंटू 24 84 हो रहा, 84 को क्या बोलते हैं 12 7 का, और 12 और 7 तो 12 और 7 हो गया रूट किसके, अब यहां 3 है तो डिवाइडेड बाय 3, बिकॉज़ वहां पे क्या बन रहे थे x स्क्वायर माइनस sx प्लस p में ये 1 हो रहा था वहां पे, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा हमको डिवाइड, ये 4 6 जा 24 हुआ और यहां कितना है 11, तो 8 3 जा 24 तो 8,3 नीचे कितना है 4 और ये 4, इजीली हम इसको कंपेयर करा सकते हैं ठीक है। हम देखिए 8th क्वेश्चन, 4 9 जा 36 यहां कितना है 15 ठीक है, तो 12 3 जा 15 हो रहा है 12,3 लिख दिया, अब ये माइनस दोनों माइनस में होंगे तभी 12 3 जा 36 होगा और यहां कितना है 4, तो 4 से डिवाइड कर दिया ठीक है, ये 2 27 54 54 9 6 जा तो 9,6 और 2 से डिवाइड कर दिया, अब आप इजीली कंपेयर करा सकते हैं, कंपेयर भी आप ये नहीं क्या जैसे 4 4 हो गया, मैं क्या करता हूं इसको 4 बना दिया नीचे वाले को भी, इसको 18 और 12 कर दिया, अब 12 3 और 18 और 6 इसका हम इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं जो कि कैन नॉट बी डिटरमाइन ठीक है। तो ये नहीं कि हम डिवाइड करके हम वैल्यू निकाल लेंगे 0.75 फिर उसी में घूमते, आप नीचे वाला सेम बना लीजिए डिनोमिनेटर और हम इजीली बाकी सबको एलिमिनेट कर देंगे ना, वो तो वैसे ही कट जाएगा सब में अगर कॉमन होगा तो। नाउ 3 इंटू 24 72 और यहां क्या है 22 ठीक है, तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो हम देखते हैं। अब देखिए 22 है तो 11 और 2 121, 18 4 का कितना होता है 72, तो मैंने माइनस 18 और माइनस 4 लिख दिया और 3 से डिवाइड कर दिया ठीक है। अब देखिए 10th क्वेश्चन, तो ये ध्यान होना चाहिए हमको कि 36 इंटू 2 18 4 जा ये सब 9 8 जा भी हम बना सकते थे, अगर यहां 17 होता तो 9 और 8 बना देते हम करके 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 30, तो ये 30 इंटू 3 90 तो ये 10 और 9 हो जाएगा, तो 10 9 ये 3, अब ये नहीं हम इसको काट दें काटने जरूरत नहीं है, यहां पे भी 3 है तो वैसे हो जाते हैं, ये 3 इंटू 3 9 और यहां बीच में 10 होना चाहिए तो 9 और 1 और डिवाइडेड बाय 3, अब इसकी जरूरत ही नहीं है तो इसी पे आप डायरेक्टली कर लिया करो, यहां अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, तो 10 9 और 9, अब ये 9 और 9 यहां क्या है सेम, और ये 10 इससे भी बड़ा है और ये इससे भी बड़ा है, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y हम ले लेंगे ठीक है। 11th क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस 652 इक्वल्स टू 504, इसमें बच्चों को बहुत डाउट होता है तो आप इसको ध्यान से देखिए, x स्क्वायर की वैल्यू यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे ये भी √1156 आएगी, ये भी √11, अब देखिए यहां पे x स्क्वायर की वैल्यू √1156 है, इसका मतलब किसी का स्क्वायर किया है हमने तब हमको 1156 मिला ठीक है, वैसे तो 34 का है हमको भले नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, तो कोई भी वैल्यू होगी तो वो प्लस होगी और माइनस भी होगी, तो यहां पे जैसे 34 है और माइनस 34 है, x स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर है, इसका मतलब माइनस 34 का स्क्वायर करूंगा तो भी मुझे यही मिलेगा और 34 का करने पे भी यही मिलेगा, लेकिन y की रूट के अंदर तो वैल्यू कभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहां से सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगा वाई का हमको, दैट इज 34 ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि इसको कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये बिल्कुल गलत है, 34 से भी बड़ा है, 34 माइनस 34 से भी बड़ा है, इसलिए हम बोलेंगे y ग्रेटर देन इक्वल्स टू x ठीक है। तो ये हमने 4th से लेके 11th क्वेश्चन हमको फास्ट कैसे करने हैं वो हमने देखा, और पहले 3 क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जनरली एक स्टूडेंट कैसे करता है और हम उससे कैसे फास्ट कर सकते हैं। थैंक यू, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, थैंक यू।